ये आ गया हमारा। दिल्ली में ताज होटल में था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और मुंबई में राजा होटल में था। वेरी गुड। और गुजरात में अदानी होटल में था। ये काली मिर्च तैयार हो रहा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये 99 वाला है जी सर। अच्छा, और वो जो कोरमे वाला है वो कितने वाला है? 220 का है सर। ज्यादा नहीं हो गया बटर? जरा हमारे दिल का भी ख्याल रखी। ये हो गया चिकन कोरमा, काली मिर्च जी, बटर नान। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत ही आला, बहुत ही आला। एक लाइन में बात पूरी करूंगा, अगर आपको शादी वाला कोरमा रमजान में खाना है तो मीट स्टर चले आइए। ये इसने मुझे किसी बारात में पहुंचा दिया। ओहो, एक चीज तो मैं भूल ही गया भाई, ये देसी घी में बना है। तभी इसने तार जो दिल के छेड़े वो अलग ही सुराया है। कितना जायका है, क्या सारे वो जो रेस्टोरेंट्स के नाम इन्होंने गिनाए हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं जायके में या नहीं? विकास भाई बहुत शुक्रिया। रमजान की रौनक व्लॉग 2। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में रमजान फूड सीरीज लेके। इस वक्त हम हैं मीट स्टर रेस्टोरेंट पे, जो कि लोकेटेड है अनूप शहर रोड पे। मुझे लगता है कि इस एरिया में ये रेस्टोरेंट सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। और मीट स्टर रेस्टोरेंट जो है वो अपने रेस्टोरेंट से ही नहीं, इससे पहले से ही इसका नाम मशहूर है, क्योंकि ये फ्रोजन फूड में अपना नाम पहले ही मनवा चुके थे, उसके बाद ये रेस्टोरेंट की फील्ड में आए। आज यहाँ आने का मकसद हमारा खास है, वो ये है कि इन्होंने रमजान के कुछ ऑफर शुरू करे हैं। जो सीरीज हमने शुरू करी है उसमें हमारा मकसद ये भी है कि हम रमजान के ऑफर्स भी आपको दिखाएं। तो मीट स्टर ने रमजान के कुछ ऑफर्स, कुछ कॉम्बोस, पैकेजेस, इफ्तार वगैरह के शुरू करे हैं। आइए जल्दी से अंदर चलते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्या क्या आइटम्स वो रमजान में दे रहे हैं, देखते हैं, खाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। इस सारे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहिएगा आखिरी तक। आ जाइए जल्दी से। मेरा नाम दानिश सरफराज है और मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। हम लोग को इस रेस्टोरेंट को ओपन करे हुए चार या पाँच साल तकरीबन हो चुके हैं। इस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने हर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा हुआ है, जैसे कि पूरा मेन्यू है हमारे पास। हर तरीके, जैसे कॉन्टिनेंटल भी है, मेन कोर्स इंडियन, मुगलाई, चाइनीज़, फास्ट फूड, सारी वैरायटी मेंटेन करी है। क्योंकि जब हम लोग इस रेस्टोरेंट पे थे तब यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट इस रोड पे नहीं था, तो इस रेस्टोरेंट हमारा ही पहला रेस्टोरेंट था यहाँ पर। यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी और जो थी उन लोगों के लिए कोई भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल इस तरीके की नहीं। काफ़ी सारे यहाँ पे कॉलेज और स्कूल्स भी थे, जिसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का रेस्पॉन्स है। क्योंकि इससे पता चलता है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं वो रेगुलर कस्टमर हैं हमारे। हम लोग पूरा डेटा मेंटेन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो रेगुलर है और जो जुड़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ है हमारे साथ। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो हम लोगों ने रमज़ान के लिए भी हर साल करते हैं। इस बार हमारे राज भाई आए हुए हैं तो इनके थ्रू भी हमारी बात पहुंच रही है लोगों तक। और हम लोगों ने ये रमज़ानों का ऑफ़र और पैकेजेस चला रखे, और उसके पीछे एक ही वो है कि स्टूडेंट्स और जो यहाँ पे लोग हैं जिनको आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं बाहर चीज़ें, वो अवेलेबल हो जाएं, उसमें टेस्ट हो और प्लस प्राइस ऐसे हों जो उनके लिए अफोर्डेबल हों। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे पैकेजेस रखे हुए हैं, जिसमें अफ्तार मेनू भी है और आपका डिनर मेन्यू भी है और प्लस हमारा अनलिमिटेड फूड वाला मेन्यू भी है। इफ्तार और डिनर का मेन्यू जो है वो थाली सिस्टम है बेसिकली, उसकी होम डिलीवरी भी है।
वो यहाँ पे भी अवेल कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी, और पूरे महीने की उसमें पैकेज, पूरा महीने का भी आप पैकेज ले सकते हैं उसमें, पर मंथ का पैकेज बन जाएगा। मान लीजिए कि आज से अगर कोई शुरू करता है तो अभी दो दिन तीन दिन जो भी निकल गए हैं तो वो हट जाएंगे, उस पर डे के हिसाब से उनका पूरा मंथली पैकेज बन जाएगा। चाहे वो खाली इफ्तार का भी ले सकते हैं, डिनर का भी ले सकते हैं, और प्लस रेस्टोरेंट तो हमारा पूरे टाइम ओपन ही है, तो वो यहाँ पर भी आके अपना जो है ना अवेल कर सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड वाला है तो उसमें जो है बूफे है, पूरा बूफे लग जाएगा उसमें, प्लस हमारा बारबेक्यू भी है यहाँ पे, जो अलीगढ़ में नहीं है। जैसे बारबेक्यू नेशंस वगैरह लोग दिल्ली नोएडा जाया करते थे, वो यहाँ पे हमारे अवेलेबल है, और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है उसका, तो वो भी अनलिमिटेड फूड होता है। अगर कोई बारबेक्यू लेना चाहता है रमज़ान में तो बारबेक्यू भी ले सकता है, और हमारे पास स्पेस भी बहुत अच्छा है, अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो जाती है। उन्होंने बहुत सारी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराई है यहाँ पे ऑलरेडी, अफ्तार पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ कराई है पहले, बर्थडे पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज़ कराई हैं, इवन इंगेजमेंट, अकीका, क्योंकि हमारे पास एक पार्टी लॉन भी है, ये स्पेस है हमारे पास, इसके पीछे एक पार्टी लॉन भी है जिसमें हम 100-150 लोगों की आराम से गैदरिंग कर लेते हैं। तो अलहमदिल्ला हर तरीके का ओकेजन के लिए, कैटरिंग के लिए हम अवेलेबल हैं। ये जो हमारा इफ्तार मेन्यू, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स और जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए खास तौर से हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है, तो हमने बहुत ही अच्छा रेट और बहुत ही अच्छा मेन्यू रखा हुआ है। हमारा इफ्तार का जो प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपीज़ का है, एक पर डे का जो हमारा आएगा वो 99 रुपीज़ का है, और प्लस डिनर का जो है वो 220 का है। डिनर में भी हमारे अच्छे खासी उसमें क्वांटिटी और डिशेस मौजूद हैं, जैसे कि दो ग्रेवी आइटम्स रहेंगे, चिकन की ग्रेवी है, या फिर हमारी नहारी भी है, बफ नहारी जो हमारी बहुत फेमस है वो भी उसमें इंक्लूड रहेगी, बिरयानी भी है, ज़ीरा राइस हैं, बटर नान, तंदूरी रोटी, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, वो भी डिनर भी हमारे सिर्फ 220 रुपीज़ है। अच्छा जी, आपने रेस्टोरेंट देख लिया, ओनर से बात कर ली, अब जल्दी से किचन में चलते हैं जो कि हमारा फेवरेट एरिया है, और देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या तैयार हो रहा है। आ जाइए जल्दी। हाँ जी, हम आ चुके हैं मीट स्टर के किचन में, और हमारे साथ हैं यहाँ के हेड शेफ विकास भाई। हाँ जी विकास भाई, क्या तैयार कर रहे हैं आप? सर बना रहे हैं जीरा आलू। जीरा आलू, ठीक है जी। ये आ गया हमारा जीरा आलू, है ना? जीरा आलू, जीरा आलू जी। विकास भाई, जीरा आलू के बाद? जीरा आलू के बाद बनाएंगे सर हम चिकन कोरमा। चिकन कोरमा जी। अच्छा, ये भी आज वाले थाली में है? जी आज की थाली में। ठीक है, डिनर थाली में। डिनर थाली में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ से हैं? सर मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से ही हैं? अच्छा, कुकिंग फील्ड में आप कब से हैं? सर मैं 14 साल से। 14 साल से? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जी विकास भाई, इससे पहले आप कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं? सर मैं दिल्ली में ताज होटल में था। अरे नहीं, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और मुंबई में एक राजा होटल में था। वेरी गुड। और गुजरात में अदानी होटल में था। अलीगढ़ में मैं आभा होटल में भी था। और मेलरोजिन होटल में भी था। बहुत बढ़िया, यानी कि आप बिल्कुल पके हुए हैं ना? जी सर। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके पास? जी, 14 साल हो गए सर इस लाइन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे लगता है कि आपका जो हुनर होगा ना वो भी उसी स्टैंडर्ड का होगा जैसा कि वहाँ पर सर्व किया जाता है ना। तो विकास भाई, हमारा आलू जीरा हो गया और चिकन कोरमा हो गया, ये क्या तैयार कर रहे हैं? सर ये काली मिर्च है। अच्छा, ये काली मिर्च तैयार हो रहा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जी विकास भाई, ये क्या आ गया? शामी कबाब। शामी कबाब है, ठीक है जी। और ये खजूर है सर। ये खजूर आ गई जी। ठीक है, सही जी। विकास भाई, ये सर बटर नान। बटर नान लग रहा है? जी, जी। अच्छा, इस ऑफर में बटर नान है? जी सर, इसमें बटर नान। ओ बहुत बढ़िया, ये तो भाई बड़ा खुले हाथ वाला ऑफर लग रहा है मुझे तो। जी सर, बहुत जबरदस्त। सर ये बटर नान। ठीक है, ऐसे,
लगाया बटर। ज्यादा नहीं हो गया बटर? जरा हमारे दिल का भी ख्याल रखी सर। इसका नाम बटर नान है ना, तो इसी शानदार। तो ये आ गया बटर नान हमारी 299 वाली थाली में, है ना? नहीं 220 सॉरी। ओहो, ये हो गया चिकन कोरमा, काली मिर्च जी, बटर नान, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और इसके अलावा? इसके अलावा इसमें रहेगा जीरा राइस। जीरा राइस जी। विकास भाई नेक्स्ट क्या है? सर ये जीरा राइस। जीरा राइस, अच्छा ये कौन से वाली प्लेट में है? 220 वाली, जो 220 वाली में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें हम डालेंगे देसी घी। ये देसी घी का बनेगा सर? हमारे यहाँ पे जीरा राइस देसी घी में ही बनता है। बहुत बढ़िया, तो अलग ही खुशबू आती होगी इसमें, क्योंकि जो चीज देसी घी में बनी होती है उसकी बात ही अलग होती है। हाँ जी, ये आ गया हमारा जीरा राइस 220 वाले प्लेट में। वाह जी वाह, बहुत अच्छी। ये सलाद और ये चटनी। तो भाई मीट स्टर के किचन में इस वक्त हैं विकास भाई, यहाँ पर हेड शेफ हैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ, और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह इन्होंने काम कर रखा है। विकास भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे से सारी चीज़ें तैयार करी। अब जल्दी से बाहर चलते हैं और विकास भाई के हाथ का मैजिक देखते हैं, कितना जायका है, क्या सारे वो जो रेस्टोरेंट्स के नाम इन्होंने गिनाए हैं हम वहाँ पहुँच रहे हैं जायके में या नहीं। विकास भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दानिश भाई, तो थोड़ा सा मुझे इन प्लेटर्स के बारे में बता दिए, ये रमजान स्पेशल प्लेटर्स हैं, है ना? जी जी। तो ये क्या है, ये क्या है और किस तरीके से है, थोड़ा सा इसे समझा दिए। ये जो हमारा प्लेटर है ये है इफ्तार मेनू, ठीक है, ये इफ्तार के लिए हो गया, और ये है डिनर वाला, ठीक है ना? तो इफ्तार में हमारा जो है डे वन से लेकर डे सेवन तक हर रोज एक अलग अलग मेन्यू है, जिसमें कि हमारा जैसे कि आज है तो पूरी और कबाब है, आलू जीरा सब्जी है, सैंडविच है, ऐसे ही अगले दिन होगा तो उसमें बिरयानी होगी, अच्छा। कबाब होंगे उसमें, एक दिन हमारा जो है ना चाइनीज आइटम होगी, जैसे कि मंचूरियन हो गया, चिकन फ्राइड राइस हो गया, और ऐसे ही इसमें जो हमारा डिनर का है इसमें हमारा जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो ये नॉन वेज है, इसमें चिकन कोरमा है, चिकन काली मिर्च है, एक दिन इसमें होगा आपका कढ़ाई पनीर होगा, दाल मखनी होगी, जीरा राइस होगा, इसी तरीके से इसमें भी एक दिन चाइनीज़ का मेन कोर्स भी है, अच्छा अच्छा, और ऐसे ही इसमें कुछ तंदूरी स्नैक्स भी होंगे, मतलब ये चेंज होता रहता है दोनों का, हाँ, क्योंकि मोनोटोनस ना हो जाए रोज इंसान एक चीज खा रहा है, तो इसलिए हमने डे वन 7 तरह की प्लेटर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे जाती रहेंगी, जैसे मान लीजिए पूरे मंथ का किसी ने लिया तो 7 दिन उसको अलग अलग गया, फिर उसके बाद रिपीट होगा वो। ओके ओके, इस तरीके से भाई ये बहुत ही अमेजिंग ऑफर मुझे लगा, बहुत ही अमेजिंग ऑफर लगा, और बहुत किफ़ायती है, बहुत किफ़ायती है, मतलब 99 रुपीज़ में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, और 220 में आपको दो नॉन वेज के आइटम मिल रहे हैं, बटर नान मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए भाई, बहुत अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया आपका ये मुझे ऑफर लगा दानिश भाई, बहुत ज़बरदस्त, और ये पूरा महीना चलने वाला है ना? पूरा महीना। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई प्लेटर का सारा आइडिया और ऑफर का सारा प्रोग्राम आपने सुन लिया, अब जल्दी से चख भी लेते हैं। शुरुआत करेंगे पूरी सब्जी से। पूरी सब्जी भी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि हम बस नॉन वेज वाले हैं, ऐसा नहीं है, वेज में भी अपनी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि नॉन वेज में। जल्दी से इसको चेक करते हैं फिर नॉन वेज की तरफ आते हैं। ये है जी जीरा आलू, आज जीरा आलू है, कल कुछ और होगा, डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं, मैं आपसे इनका उसकी सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा, और ये चटनी भी है थोड़ी सी, ये चटनी भी ले लेती है, ये चटनी। तो मीट स्टर से पहली बाइट जीरा आलू पूरी और चटनी के साथ, वाह जी वाह। तो पहली बाइट ली हमने जीरा आलू पूरी चटनी से, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, और जीरा आलू जो है ना वो प्रॉपर जो जीरा आलू का टेस्ट होना चाहिए उस टाइप का है, स्पाइसी है, मजेदार है, लेकिन इसका पूरा गेम चेंजर ये चटनी है। विकास भाई ने जो कहा था कि ये चटनी कुछ स्पेशल है, ये वाकई में बहुत स्पेशल है, और मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि चटनी गेम चेंजर होती है, जायके को बिल्कुल बदल के रख देती है, कुछ इसी तरीके का मामला यहाँ भी हुआ है, बहुत मजेदार अमेजिंग
जायका है विकास भाई के हाथ का, मान गया मैं। एक बाइट और लेंगे इसी चटनी के साथ। ये बहुत बहुत मजेदार मुझे लगा। अच्छा, जो लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई आप नॉनवेज ही बनाते रहते हो, कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। इस आलू जीरे और पूरी सब्जी ने जो दिल जीता है ना, वो जैसे बटर चिकन हमारे और ये और वो, ये उसी लाइन में है, पीछे नहीं है। बहुत मजेदार है, मतलब ये इतना मजेदार है कि अभी बहुत चीजें हैं जो मुझे टेस्ट करनी है, लेकिन मैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसी को खाता रहूं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हमने थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया। सबसे पहले हमें लेनी चाहिए थी ये खजूर। भाई जब इफ्तार होता है तो तरीका ये होता है कि इफ्तार जो रोजा खोला जाता है वो खजूर से खोला जाता है। अब ले लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ये समोसा भी है, इसकी फिलिंग भी देख लेते हैं। फिलिंग में भरपूर मटर, आलू और पनीर भी है, और बहुत ही प्रॉपरली ये आलू दिख रहा है मुझे, और ये प्रॉपरली समोसा तला हुआ है। तो एक बाइट इसकी भी ले लेते हैं, और समोसे के साथ भी ये चटनी जाने वाली है। ये चटनी तो बहुत कमाल, इस चटनी को मैं पैक कराने वाला हूँ, घर ले जाने वाला हूँ। मतलब ये ऐसी चटनी है, आप कमाल चटनी है ये, जिस चीज़ के साथ आप चखोगे ना, अलग ही मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार यार ये समोसा हमने अभी तक चखा क्यों नहीं। बहुत ही अमेजिंग समोसा है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इनका ये शामी कबाब भी चेक कर लेते हैं। ये है जी शामी कबाब, चिकन का शामी कबाब है ये। हाँ जी, तो शामी कबाब को फिर इस चटनी से ही हम चेक करेंगे। बहुत मज़ेदार चटनी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया चटनी मैं ये ले जाने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार चटनी है, शानदार, बहुत बढ़िया। शामी कबाब भी बहुत शानदार है, लेकिन इस चटनी से जो टेस्ट आ रहा है भाई, मैं तो फैन हो गया, आला। अच्छा, इसी 99 के प्लेटर के साथ दो चीज़ें और भी हैं, आप देखें कितना कमाल है। ये रूह अफजा, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। रूह अफजा के साथ साथ इसी 99 वाले प्लेटर में ये सैंडविच भी है। क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब 99 में और क्या लोगे यार, और क्या लोगे, इतना जायकेदार मजेदार। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम यहाँ इतना लेट क्यों आए, बहुत लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इसमें भी आलू की फिलिंग है। फिर से मैं उसी चटनी के पास आ रहा हूँ जिसने मेरा दिल जीत लिया है, और एक बाइट भरपूर सी लेंगे। तो इस 99 के बैटर में हमने अगली चीज़ चखी, ये सैंडविच। इसमें आलू की फिलिंग है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, फुल धनिया वनिया जैसा होना चाहिए ना वैसा है, मज़ेदार है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये सारा प्लेटर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये पूरे का पूरा हाईली रिकमेंडेड में से है, बहुत ही आला, मज़ा आ गया। रूह अफजा का ब्रेक लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अंदर तक तरावट करने वाला आइटम केवल रूह अफजा है, कोल्ड ड्रिंक से बचें और रूह अफजा की तरफ आएं। तो जी, सबसे पहले हमने ट्राई करा 99 वाला प्लेटर, बहुत ही मजेदार था, अमेजिंग था, मस्ट ट्राई वाला आइटम था। अब जल्दी से आ जाते हैं ये 220 वाले पैकेज में, जिसमें फुल दो ग्रेवी के आइटम्स है, नॉन वेज और जीरा राइस है, प्लस बटर नान है। ओहो भाई, मैं जहां जाता हूँ मुझे बटर नान मिल जाता है, क्या बात है, सबको पता चल गया क्या के मेरा फेवरेट बटर नान है। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। जल्दी से शुरू करते हैं, इस प्लेटर से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, पहले करेंगे कोरमे से बिस्मिल्लाह। ये है जी बटर नान। बटर नान की मेकिंग आप देख चुके हो कि फुल भरपूर नान को डुबोया है मक्खन में, बहुत ज्यादा पूरे तरीके से, दिल खोल के, कोई कंजूसी नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे बटर नान को काली मिर्च से, ये इसका पीस है। गोश्त भी देख लेते हैं कैसा है, प्रॉपरली गला हुआ। और ये देखिए शक्ल बता देती है कि कितना ज्यादा ये फ्रेश है। पहला बाइट हमारा 220 वाले प्लेटर का चिकन काली मिर्च विद बटर नान से। 220 वाले प्लेटर में हमने पहला आइटम जो चखा वो है चिकन काली मिर्च बटर नान के साथ। बहुत मजेदार टेस्ट है, अमेजिंग टेस्ट है। अच्छा, ये जो है ना थिक है, काली मिर्च की ग्रेवी जो होती है ना वो पतली पतली सी जो होटलों पे आमतौर पे मिल जाती है उस टाइप का नहीं है, प्रॉपर थिक ग्रेवी है, और ये बटर नान के साथ ही जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले चखा। बहुत मजेदार टेस्ट है, स्पाइसी भी है क्योंकि ऊपर से मसाला डाला है, और हल्का सा लहसुन का टेस्ट आ रहा है जो कि इसके टेस्ट को और इनहेंस कर रहा है, मजेदार। अब आते हैं चिकन कोरमे की तरफ। इसमें भी आपको ये बड़ा सा पीस मिलता है चिकन का। ओए होए, चिकन चेक करो आप, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये पूरा गोश्त आ गया हाथ। जब ऐसा गोश्त होता है ना चिकन का, तभी मजा आता है। वो खींच रहे हो और वो अजीब सा हो रखा है, और गला नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मजेदार। ये हमने ले ली थी ग्रेवी चिकन कोरमे की। बहुत ही आला, बहुत ही आला। एक लाइन में बात पूरी करूंगा, अगर आपको शादी वाला कोरमा रमजान में खाना है तो मीट स्तर चले आइए। ये इसने मुझे किसी बारात में पहुंचा दिया, किसी बारात में किसी बेहतरीन से कोरमे को मैं खा रहा हूँ ऐसा फील हो रहा था। बहुत ही मजेदार है यार, वाकई में, मतलब ये अंदर से निकलने वाला आइटम है, ये कोई झूठ आइटम नहीं है, ये हाइप आइटम नहीं है। अगर विकास भाई ऐसा ही रोज कोरमा बना रहे हैं तो ये कोरमा रोज खाने वाला है, बहुत ही मजेदार कोरमा है। बिल्कुल वही फील आ रही है, वही फील आ रही है कि आप दावत वाला बेहतरीन सा चिकन कोरमा कहीं खा रहे हो।
बैंड बाजी की कमी है बस बाहर। बहुत आला, एक बाइट और लूंगा क्योंकि दिल नहीं भर रहा और मुझे लगता है कि मुझे भी रमजान में ये सारी चीज, अब मैं तो मजबूर हूँ भाई, मुझे तो और भी वीडियोस बनानी है, लेकिन अगर नहीं बनाने होते ना तो मैं तो इन्हीं प्लेटर्स पे लग जाता। 99 220, कमाल है यार। 220 में आपको क्या कुछ मिल रहा है, क्या जायका मिल रहा है, आला। एक बाइट और लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये बहुत मजेदार है इसलिए लेंगे। और मैं विकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही जायका देना है आपको, हमारे व्यूअर्स को भी यही जायका देना है कि कमाल का यार, कमाल है। ये लीजिए एक और बाइट। ये था दोनों चीजों का जायका जो मैंने आपसे शेयर किया। अब जल्दी से इन चीजों को हम अच्छे से चख लें। वाकई में ये स्पीचलेस करने वाला जायका है। कोरमे ने दिल जीत लिया, कोरमे ने कहां पहुंचा दिया, मतलब आप ये कोरमा हाईली रिकमेंडेड है। आप अलग से भी फोन करें, मीट स्तर पे कहें ये हमें ये वाला कोरमा जरा भेजिए, चिकन वाला, ये वो टाइप का कोरमा बहुत ही, मतलब अगर आप इस प्लेटर से हटके भी अलग से मंगाना चाह रहे हैं तो आप इनसे बात करिए और ये कोरमे की डिमांड करिए। बहुत मजेदार कोरमा है, 99 वाला प्लेटर बहुत मजेदार है, अलग ही लाइन है, और इस 220 वाले ने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा एक चीज और रह गई है, वो भी मैं चख लेता हूँ, वो कोरमे से बाहर निकल नहीं पा रहा था मैं, वो है ये जीरा राइस। भैया विकास भाई ने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसको नहीं चखेंगे तो ज्यादती होगी। ये इस प्लेटर का फैमिली मेंबर है आज के मेन्यू में। ये कोई तरीका होता है, इतना अच्छा आप जीरा राइस दे दोगे? जीरा राइस की इमेज मेरी क्या आती, चावल होते हैं सादा, वही आ रहा होगा ना दिमाग में, और उसमें जीरा पड़ा हुआ है। ये जीरा राइस रेस्टोरेंट में ये ही मिलता है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो धनिया मिर्च कटी हुई है और भी पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बनाया होगा, देसी घी। ओहो एक चीज तो मैं भूल ही गया भाई, ये देसी घी में बना है, तभी इसने तार जो दिल के छेड़े वो अलग ही सुराया है। ये देसी घी में बना हुआ है इसलिए इसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब जो नॉर्मल जीरा राइस हम रेस्टोरेंट में खाते हैं इससे बिल्कुल अलग है। बहुत ही ऊंचा टेस्ट है, बहुत मजेदार है। सादा जीरा राइस में ऐसा जायका नहीं आता क्योंकि ये देसी घी में बना हुआ है। हमने तो पूरी मेकिंग देखी, देसी घी में बना हुआ है प्रॉपर। इसमें जो इसके हर्ब्स हैं, मतलब इसमें धनिया भी है, इसमें कटी हुई मिर्च भी है ना, तो उससे जो बन के आ रहा है जायका बहुत बढ़िया। दो अमेजिंग से प्लेटर खाने के बाद चिकन कोरमा A1 खाने के बाद ये समोसे हमारे पास आए हैं। ये समोसे बल्क में जाते हैं ऑर्डर पे, अगर आपको अपने इफ्तार वगैरह के लिए इसको मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। इसकी खास बात है कि ये चिकन के हैं, इसके अंदर चिकन की फिलिंग है और ये फ्रोजन फॉर्म में आपके पास पहुंचेंगे और आपको इसको फ्राई कर लेना है। गर्मा गर्म आए हैं, ये है फिलिंग इसकी चिकन की, छोटा सा प्यारा सा समोसा है, इफ्तार वगैरह में बड़ा अच्छा चलेगा ये। वैसा नहीं है कि एक पूरा समोसा आपकी प्लेट में आ गया, छोटा सा प्यारा सा समोसा लग रहा है। चख के देखते हैं कि ये क्या कह रहा है ये समोसा, ये कह रहा है कि भाई ऑर्डर करो और मुझे मंगाओ इफ्तार में। बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें चिकन की फीलिंग है, तो इसकी बेल्ट अलग हो गई, उस आलू वाले समोसे से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। फुल कीमे वाला जो होता है ना, अच्छा सा कीमे वाला टेस्ट जो आता है वो आ रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इसका जोड़ इससे रख दिया, इस चटनी से रख दिया, तो भैया इफ्तार में कमाल हो जाएगा, लोग इससे हटने वाले ही नहीं। 500 रुपए में 1 किलो समोसे आप ले सकते हो, जिसमें 27-28 समोसे करीब ये आएंगे। इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन आइटम है, बेहतरीन आइडिया है। ये इन प्लेटर से अलग है, बल्क में जाता है, आधा किलो 1 किलो जैसा भी आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। बहुत ही जैसा प्यारा ये समोसा है, इसका टेस्ट भी उतना ही प्यारा है। और इस चटनी के साथ जाके तो और कुछ मत बनाइए इफ्तार में, ये मंगाइए और रूह अफजा बना लिए, जबरदस्त। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग मीट स्तर से, एक अफसोस के साथ कि भाई मैंने यहाँ पर व्लॉग पहले क्यों नहीं बनाया। बहुत ही अमेजिंग जायका है और बहुत ही किफ़ायती रेट में है, मतलब चिकन कोरमा, काली मिर्च, बटर नान आपको 220 और प्लस राइस भी, और वो भी देसी घी में बने राइस आपको 220 रुपए में मिल रहा है। अच्छा ये एक दिन का है, ऐसे ही कमाल ये हर रोज अलग अलग करते रहेंगे। और विकास भाई जो इनके शेफ हैं, वाकई में उनके हाथ में जादू है, जो उन्होंने बताया कि अलग अलग अच्छी जगहों पर उन्होंने वर्क किया हुआ है, तो उनका काम बोल रहा है, बहुत मज़ेदार है। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप, मतलब ये हाईली रिकमेंडेड में से आप आगे बंद करके मंगा सकते हो। तो रमज़ान की जो फूड सीरीज हमारी चल रही है उसमें पहली वॉल पे हमने छक्का मार दिया है, समझिए। तो भाई यही था आज का व्लॉग, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि अभी हमें खाना खाना है और बैटरी भी बहुत कम रह गई है खाते खाते। तो यही था आज का व्लॉग, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।